दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के दूसरे बजट सत्र का बुधवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से आगाज हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया और उसके जो परिणाम सामने आए उसका उल्लेख राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया। उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है और शिक्षा के स्तर में कई गुणात्मक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए वचनबद्ध है और उसी के तहत कार्य किए जा रहे हैं। एक वर्ष में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है और उस व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप जो परिणाम आज सामने आया है उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। व्यवस्था परिवर्तन की नींव हमने अपने पहले बजट में दर्शाई थी और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी हमने जब आपदा आई लोगों को राहत पहुँचाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जिस कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नियुक्ति नौकरियां बेची जाती थी और उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसके बाद जब हमने पाया कि ये धंधा काफ़ी समय से चल रहा है, उस कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने भंग किया। वो हमारे एक साल की भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की एक उपलब्धता है। आपदा में हमने लोगों को सहायता पहुँचाई, उसके अलावा ग्रीन स्टेट का जो हम परिकल्पना करके चले हैं उस दृष्टि से एक सोच समाज में भी बनी है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के स्तर में, गुणात्मक स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षा के संस्थान खोल दीजिए, लेकिन उनकी शिक्षा में अगर गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो आपको उसका काफ़ी नुकसान भविष्य में भुगतना पड़ेगा। हमने इस चीज़ को पहचाना और शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए हमने नियमों में परिवर्तन किया, कानून में परिवर्तन किया और आज हम कह सकते हैं कि अगला जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम शुरू किया जाएगा। 6 वर्ष के बच्चे को मेंटल स्ट्रेस छोटी उम्र में ना डाला जाए, तो उस मेंटल स्ट्रेस से राहत दिलाने के लिए 6 वर्ष की कम आयु के बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। लोग तंग आते थे राजस्व में, अपना इंतकाल करवाना है, अपनी डिमार्केशन करवानी है, अपनी तकसीम करवानी है, अपनी दुरुस्ती करवानी है और हमने राजस्व लोक अदालतें लगाकर 95,000 के करीब इंतकाल के केसेस जो है उनको लोगों के रजिस्टर किया। पहले लोग पटवारियों के पीछे घूमते थे, कानूनों के पीछे घूमते थे, पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे। निश्चित तौर पर इसका लाभ आम लोगों को मिला। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, लोगों की अंतिम आवाज़ को पहचान कर हम अपना बजट का प्रोविज़न करते हैं। जो अनाथ बच्चे थे, जो कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते थे कि उनके लिए भी कोई सरकार ऐसी योजना लाएगी, योजना को तो हम लाए ही हैं, लेकिन हिंदुस्तान का पहला अनाथ बच्चों को जो शिक्षा देने का संबंध है, जब उसकी उम्र परिपक्व हो जाएगी 27 साल तक, सारा खर्चा उसका सरकार लाएगी, इस प्रकार की योजनाएं हमने समाज के हित में लाई है। ये हमारी एक साल की उपलब्धता है। इसके अलावा जो विधवा नारी है जिनके आवास नहीं है उनके लिए भी हम एक योजना लेकर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।